मैं रविंद बिल्ला, बिल्ला करियर एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज हम देखेंगे पीएटी के यानी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनके आने की संभावना है यानी पीएटी में आ सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रिपीटेशन हुए हैं। मैं यहाँ पर आपको बताते रहता हूँ क्वेश्चन, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आएंगे। पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं जो बताऊंगा वही क्वेश्चन आएंगे, आप इनके भरोसे ही रहे और आप सिर्फ यही पढ़े, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जिनके आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है, जो बार बार रिपीट हुए हैं, कई एग्जामों में आ चुके हैं और जो आगे भी आते हैं और आने की जिनकी संभावना है बहुत ही ज्यादा। देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वही मैं आपको बताता हूँ। तो आप ये ना चिंता करें कि मैंने जो बता दिया बस वही आएगा, वही एग्जाम में आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मैं सिर्फ अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो लगभग जो आने की जिनकी संभावना है वैसे ही क्वेश्चन आपको बताते रहता हूँ। चलिए तो देखते हैं हम पीएटी के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहले हम फसल उत्पादन यानी क्रॉप प्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे हम बायोलॉजी यानी बायो के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो फसल उत्पादन में यानी क्रॉप प्रोडक्शन में मेनली हम सॉइल के बारे में, पिछले वीडियो में भी देखा था हमने थोड़ा बहुत, और अभी भी देखेंगे सॉइल से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल का पार्ट जो है सॉइल साइंस, तो उसकी बात करेंगे। तो लगभग 1 इंच मृदा बनने में, 1 इंच मृदा बनने में समय लगता है, या कितने साल लग सकते हैं 1 इंच मृदा के निर्माण में, 1 इंच मृदा के निर्माण में कितने साल लग सकते हैं? तो वो लगते हैं 800 से 1000 साल। मात्र 1 इंच मृदा जो है वो बनने में जो टाइम लगता है वो है 800 से 1000 साल। ये जेआरएफ में कोई एक बार क्वेश्चन आ चुका है और पीएटी में भी आपको पढ़ाया जाता है डीप में इसके बारे में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बताया। इसके बाद अभ्रक या माइका के बारे में आपने सुना है, अभ्रक जो कि पृथ्वी की सतह जिसे अर्थ काष्ट बनी हुई है कुछ मात्रा में, ज्यादा नहीं कुछ मात्रा में। तो अभ्रक जो होती है यानी माइका, इंग्लिश में जैसे माइका कहते हैं MICA, तो माइका भी दो प्रकार की होती है, एक ब्लैक माइका होती है एक व्हाइट माइका होती है। तो ब्लैक माइका किससे बनी होती है और व्हाइट माइका किससे बनी होती है, तो पहले चर्चा करेंगे हम व्हाइट माइका। जो पोटेशियम युक्त माइका होती है जिसमें पोटेशियम पाया जाता है, पोटेशियम मिनरल पाया जाता है, पोटेशियम युक्त माइका का रंग कैसा होता है? तो जैसे मैंने बताया था व्हाइट, अगर व्हाइट माइका है तो उसमें पोटेशियम तत्व या पोटेशियम न्यूट्रिएंट की अधिकतम मात्रा पाई जाएगी, अगर व्हाइट माइका है तो। यानी पोटेशियम युक्त माइका का रंग जो है वो कैसा होगा, तो वो होगा व्हाइट। ठीक है, इसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम वाली माइका जो रहेगी मैग्नीशियम युक्त माइका, ये माइका मतलब अभ्रक है, ठीक है, जिसे आप अभ्रक कहते हैं हिंदी में। तो मैग्नीशियम माइका का रंग होता है, तो ये आ जाएगा ब्लैक, वो रंग कैसा होता है तो वो ब्लैक होता है। ठीक है, ये दोनों जीआरएफ में क्वेश्चन आ चुके हैं, हो सकता है पीएटी में भी इनमें से दो में से एक क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। इसके बाद फेल्स बार का परसेंटेज कितना होता है, यानी पृथ्वी सतह पर जो अर्थ काष्ट बनी है उसमें फेल्स बार का परसेंटेज कितना होता है? अर्थ काष्ट में फेल्स बार का परसेंटेज कितना होता है? मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसलिए ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। तो फेल्स बार का जो परसेंटेज होता है वो 48%, 48% होता है फेल्स बार का परसेंट, 48% होता है। इसके
इसके बाद मृदा के कुछ संस्तर होते हैं, विभिन्न होरिजन होते हैं, उनमें से जो होरिजन होते हैं उनमें लीचिंग एक ऐसा होरिजन होता है, हो ए बी सी और आर, तो कुछ ऐसे होरिजन होते हैं जिनसे लीचिंग होती है, तो जहां से हो रही है और फिर अगले इसमें एंटर होती है, अगले इसमें एंटर होती है, तो इस तरीके से एक से आउट हो रही है और एक में इन हो रही है, यानी एक से जा रही है आउट हो रही है और एक से इन यानी अंदर आ रही है। तो दो प्रकार के टर्म यूज किए जाते हैं, वॉशिंग आउट और वॉशिंग इन, वॉशिंग आउट और वॉशिंग इन, लिख देता हूं मैं आपको, वॉशिंग आउट, वॉशिंग आउट संस्तर कौन सा है, सबसे ज्यादा वॉशिंग आउट होता है वो संस्तर कौन सा है, तो इसमें मेनली बताया जा रहा है कि लीचिंग हो रहा है, वॉशिंग आउट मतलब लीचिंग हो रहा है, ये वाटर का या मिनरल तत्वों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, तो जो ए संस्तर होता है ये वॉशिंग आउट प्रकार का है, यानी यहां से तरल पदार्थों का या न्यूट्रिएंट का वॉशिंग हो रहा है, लीचिंग हो रही है, तो ये ए जो संस्तर है ये वॉशिंग आउट, यहां से वॉशिंग आउट होता है, तो कौन से संस्तर से होता है, तो ए संस्तर से होता है, क्या होता है, वॉशिंग आउट होता है, किसमें, सॉइल में, और सॉइल के भी मेनली ओरिजन में यानी संस्तर में। इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, वॉशिंग इन, ये तो वॉशिंग आउट हो गया, ये वॉशिंग इन, वॉशिंग इन संस्तर कौन सा होता है, ठीक है, वॉशिंग इन, तो जैसे कि यहां से जाएगा तो इसमें आएगा, इसी संस्तर में नेक्स्ट जो रहेगा उसमें आएगा, तो यहां पर इंटर हो रहा है, यानी ये वॉशिंग इन संस्तर हो गया, तो ये वॉशिंग इन, तो डायरेक्ट याद रख लीजिए कि वॉशिंग आउट कौन सा होता है, तो ए संस्तर होता है, वॉशिंग इन कौन सा होता है, तो बी संस्तर होता है, ठीक है, बाकी इनके बारे में डीप में जानना है तो हमारे वीडियो डलेंगे, आप वहां से पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो सॉइल टेक्सचर होता है, सॉइल टेक्सचर वो किस प्रकृति का होता है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट वन लाइनर आता है, एक लाइन का ही आता है कि सॉइल टेक्सचर होता है, तो सॉइल टेक्सचर जो है वो फिक्स्ड होता है, यानी अपरिवर्तित, कभी भी ये बदलता नहीं है, फिक्स्ड होता है, अपरिवर्तित रहता है, ये बदलता नहीं है। इसमें क्या आते हैं, तो इसमें सॉइल पार्टिकल का शेप आता है, शेप, सॉरी साइज, साइज जो साइज होते हैं वो आते हैं, साइज से मतलब किसी मृदा कण का आकार 2 mm है, किसी का आकार 0.002 mm है, या 0.2 mm है, किसी का 0.02 mm है, तो ये जो वर्गीकरण है, प्रकृति है, वो कैसी है, सॉइल टेक्सचर प्रकार। अब ये तो साइज हो गया, अब जो शेप होता है उसमें क्या आएगी, तो उसमें मृदा की संरचना आएगी, मृदा की संरचना, जैसे गोलाकार, प्रिज्मेटिक, फिर उसके बाद क्रम्बी संरचना, सबसे बेस्ट क्रम्बी होती है, ये मैंने पिछले टेस्ट में भी लिया था, तो ये जो है वो शेप में आएगी, और जो साइज है उसमें आएंगे उनके पार्टिकल यानी कणों का व्यास। चलिए इसके बाद कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आई है तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, तो हम आपको उसका आंसर बता दें। फसल उत्पादन का जो हमारा 8वां क्वेश्चन है वो है क्लेस वाइल का बीडी कितना होता है, यानी बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी क्या है और पार्टिकल डेंसिटी क्या है, इसके बारे में भी हमारा वीडियो डला हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो जो क्लेस वाइल होती है, सोचिए और बताइए, जो क्लेस वाइल होती है उसकी बल्क डेंसिटी क्या होती है,
ये जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है बीडी, बल्क डेंसिटी, क्ले सॉइल की बल्क डेंसिटी क्या होती है? क्ले सॉइल की बल्क डेंसिटी क्या होती है? तो मृदा कणों का रंध्रापास बढ़ने पर जो बीडी होता है वो भी कंजेस्टेड होने लगता है। तो ये होता है 1.1, स्पेशली क्ले सॉइल का जरूर याद करके जाए। अगर ओवरऑल पूछा तो फिर तो आप बता देंगे कि 1.33 होता है, ठीक है, लेकिन अगर किसी सॉइल को विशेष को बता दिया तो फिर आपको वहां पे दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप क्ले सॉइल और सिल्ट सॉइल का तो कम से कम करके जाए, सेंट सिल्ट से का, सेंट सिल्ट और क्ले का तो आप याद करके जाइए। इसके बाद जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? जैसे जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? एक होती है। मृदा की विशिष्ट ऊष्मा यानी सॉइल की विशिष्ट ऊष्मा स्पेशल स्पेसिफिक की हीट क्या होती है? तो वो होती है 0.2, ठीक है। इसका कोई मात्रक नहीं, कैलोरी और ये लगाते रहते हैं, कभी मात्रक आ भी जाता है कभी नहीं आता है, तो वो 0.2 होती है। वैसे ऑर्गेनिक मैटर की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, सोचिए और बताइए। स्पेसिफिक हीट कहते हैं इसे। तो ऑर्गेनिक मैटर की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, ठीक है। तो थोड़ा सोचिए कि आपके हिसाब से क्या हो सकता है। ऑर्गेनिक मैटर भी कंजस्टेड है तो ये भी लगभग सॉइल के बराबर ही होगा, लेकिन थोड़ा अधिक होगा, 0.5। नॉर्मल सॉइल की 0.2 होती है, वाटर के लिए एक होती है, ये भी आपको पता होगा, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर की पूछे तो 0.5, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अगर नया क्वेश्चन बनता है विशिष्ट ऊष्मा पे से तो इन्हीं चीजों से पूछा जाएगा, कभी कभी ह्यूमस की भी पूछ लिया जाएगा। ऐसा मतलब लगभग देखा जाए तो 0.7 या 0.65 ही होती है, 0.5 से 0.7। तो जो क्ले है, क्ले मृदा कण जो होते हैं उनका आकार क्या होता है? क्ले का साइज क्या होता है? क्ले का साइज क्या होता है? इजी है, लेकिन ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए मैंने यहां पर वापिस से यही क्वेश्चन लिया है, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। तो वो होता है 0.2 mm से कम, ये लेस देन, ये आप जरूर, ये जो चिन्ह है ये जरूर याद रखिए। तो लेस देन 0.002 mm, एमएम सॉरी एमएम, ये जो है वो क्ले का साइज होता है। चलिए, तो ये हमारे जो फसल उत्पादन के कम क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। अब कुछ हम बायोलॉजी के क्वेश्चन देखें। अगर कोई सी चीज सही है समझ में नहीं आई तो वीडियो को पीछे कर लीजिए, थोड़ा पॉज कर लीजिए और देख लीजिए आप। जैसे मेरे ख्याल से तो सारी चीजें ऐसी है कि जिनसे आप वाकिफ होंगे। अब हम कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे, उसमें भी जो इंसेक्ट यानी कीट विज्ञान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेशम कीट के बारे में, जो सेरिकल्चर रेशम का पालन कहलाता है, रेशम कीट का पालन सेरिकल्चर, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो रेशम कीट निर्माण की खोज किस शताब्दी में, या फिर जिसे बोले तो किस बीसी में हुई थी? डायरेक्ट आएगा कि रेशम के निर्माण की शुरुआत हुई थी, रेशम कीट के निर्माण की या रेशम कीट उद्योग की शुरुआत भारत में कब हुई थी या फिर विश्व में कब हुई थी? रेशम निर्माण की शुरुआत कब हुई थी? तो अगर कुछ लोग जानते होंगे तो 2700 BC, 2700 BC में पहली बार, मतलब यहां से इस शताब्दी से ही कार्यकाल चालू हो गया, रेशम पालन का जो है वो चालू हो गया। अब अगर आपको एक्यूरेट अगर ऑप्शन चाहिए तो वो है 2697। तो
26, 97 BC। अगर एक्यूरेट भी चाहिए तो, और लगभग में 27 होता आपको ऑप्शन में, पीएटी तो मैं तो वैसे भी लगभग या अप्रोक्सीमेट ऑप्शन ही आते हैं, तो आपको ये 2700 मिल जाएगा, लेकिन एक्यूरेट चाहिए तो 2697। ठीक है, इसके बाद जो भारत में, भारत में रेशम का अध्ययन पहली बार किस सन में हुआ था और किसके द्वारा किया गया था, ये तो विश्व लेवल की बात हुई। भारत में रेशम का अध्ययन कब, कहां, किस सन में और किसके द्वारा शुरू किया गया, वो तीनों चीजें मैं आपको यहां पर बता दूं। तो जो भारत में रेशम का अध्ययन है वो 1905 में, 1905 को देख के आपको एक चीज याद आनी चाहिए, IRI, तो सही है, पूसा, पूसा नई दिल्ली में, 1905 में पहली बार पूसा नई दिल्ली में, किसके द्वारा, तो लेफ्रॉय के द्वारा, वैज्ञानिक लेफ्रॉय जो थे उनके द्वारा रेशम कीट का अध्ययन किया गया था, वैज्ञानिक लेफ्रॉय के द्वारा रेशम कीट का अध्ययन किया गया। कहां, कब और किनके द्वारा, ये मैंने तीनों चीजें आपको बता दी है, अगर नया क्वेश्चन बनता है तो एक ही क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ध्यान रखिएगा बस। इसके बाद जो सर्वोत्तम रेशम प्राप्त होता है या बेस्ट रेशम जो प्राप्त होता है वो किस पौधे से प्राप्त होता है, या ऐसा कौन सा पौधा है जिसे रेशम का कीड़ा जो कीट होता है वो अगर खाता है तो उससे बेस्ट रेशम प्राप्त होता है, तो ये आप जानते होंगे सहतूत, लेकिन फिर भी ये पीएटी के एग्जाम में 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, बार बार ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही ऐसे रहते हैं कि आदमी जो मतलब स्टूडेंट वो कंफ्यूजन हो जाता है, कैसे ऑप्शन देते हैं, पहले पे अरंडी दे देता है, रेसिनिस कम्युनिसिस, फिर उसके बाद बबूल दे देता है, सहतूत दे देता है, तो ऐसा ऑप्शन ही ऐसे देता है कि आप कंफ्यूज हो जाए, लेकिन बेस्ट जो है वो सहतूत से प्राप्त, सतुत जो मोरसेल्बा है उससे प्राप्त होता है, इसलिए बॉम्बे सिटी जो रेशम की फैमिली है वो ज्यादा सतुत पे ही निवास करती है, उसके बारे में आपको हमारे लेक्चर डले हुए आप वहां से पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो ग्लैंट रेशम कीट होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, एक नया नाम ग्लैंट, क्या है, ग्लैंट रेशम, ग्लैंट रेशम का नाम है, यानी ग्लैंट रेशम किसे कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, तो ये आपका जाना पहचाना ही है, ज्यादा कुछ अलग नहीं है, वही एटेकस एल्टास, एटेकस एल्टास वही जो रेशम की, रेशम के कीट की प्रजाति है, वही है ये ग्लैंट रेशम। एक नया नाम अगर आता है तो कुछ इस तरीके से आपके सामने आ सकता है एग्जाम, एटेकस एल्टास। फिर इसके बाद एरी रेशम कीट मुख्यतः कहां पाया जाता है, किस पौधे पर, जो एरी रेशम है वो किस पौधे पर पाया जाता है, एरी रेशम किस पौधे पर पाया जाता है, तो अरंडी पर, जैसे मैंने पहले चर्चा करी थी, अगर इसका बोटनिकल नेम रेसिनिस कम्युनिसिस होता है तो कभी कभी आपको अरंडी की जगह इनका बोटनिकल नेम भी दिया हुआ आ सकता है, तो रेसिनिस कम्युनिसिस वाला, तो वो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, एरी रेशम मुख्यतः इसी पौधे पर या इसी प्लांट पर, इसी पेड़ पर पाया जाता है। इसके बाद व्यस्क रेशम कीट की लंबाई कितनी होती है, एक व्यस्क जो एडल्ट यानी प्रौढ़ जो रेशम कीट है उसकी लंबाई अधिकतम कितनी हो सकती है या कितनी होती है, व्यस्क रेशम कीट की लंबाई, तो एक ही शब्द में ध्यान रखिएगा 2.5 mm,
ढाई और एमएम यानी 2.5 और सॉरी सेंटीमीटर, ये हो सकती है 2.5 सेंटीमीटर की, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है 2.5 सेंटीमीटर। व्यस्क रेशम कीट की जो है लंबाई होती है 2.5 सेंटीमीटर। इसके बाद रेशम कीट में निषेचन का प्रकार, रेशम कीट में निषेचन का प्रकार जैसे केचुए में बाह्य निषेचन होता है, वैसे रेशम कीट में कौन सा निषेचन होता है? तो रेशम कीट में होता है आंतरिक या इनर, आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन, इनर फर्टिलाइजर, तो रेशम कीट में आंतरिक निषेचन होता है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। इसके बाद जो है केटल, जो केटर पिलर होता है रेशम कीट का लार्वा केटर पिलर कहलाता है, ये तो आप जानते होंगे, ये भी पीएटी में आ चुका है केटर पिलर। तो केटर पिलर में कितने खंड होते हैं, यानी केटर पिलर जो लार्वा होता है उसका शरीर कितने खंडों में बटा होता है या कितने खंड होते हैं? तो एक नया टर्म जरूर ध्यान रखिएगा, उसमें से 12 खंड होते हैं, तो उसमें 12 खंड, उसमें भी 10 तो उधर में ही हो जाते हैं, तो टोटल सिर्फ 12 खंड होते हैं। ये एक नई चीज आप ध्यान रखिएगा, केटर पिलर में 12 खंड होते हैं, डायरेक्ट याद कर लीजिए, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इसके बारे में पूरा पढ़े, तो केटर पिलर में अगर खंड पूछे तो डायरेक्ट 12 होते हैं। इसके बाद रेशम कीट के एक कोकून का भार कितना होता है, यानी रेशम कीट के एक कोकून का भार कितना होता है, रेशम कीट के एक कोकून का भार कितना होता है आपको यह ध्यान रखना है। तो वो होता है 1.8 से 2.2 ग्राम, 1.8 से 2.2 ग्राम इतना भार होता है एक कोकून का, ठीक है। धागे की लंबाई अलग अलग होती है, कभी कभी 200 मीटर तक भी हो जाती है, तो वो एक अलग चीज है, लेकिन यहां भार की बात हो, ठीक है। फिर इसके बाद जो कोकुन में कोकुन निर्माण होता है, प्यूपा अपने चारों ओर कोकुन का निर्माण कर लेता है चारों तरफ, ठीक है, तो उस कोकुन में प्यूपा को ही मार देना, जैसे गर्म पानी में ये क्रिया की जाती है, तो कोकुन में ही प्यूपा को मारना, कोकुन में ही प्यूपा को मारना, लिख देता हूं मैं यहां पर, कोकुन के अंदर ही, अंदर ही प्यूपा को मारना या उसे नष्ट करना, कोकुन के अंदर ही प्यूपा को नष्ट करना या मारना कहलाता है। एक विशेष क्रिया होती है जो पानी में उबाल कर की जाती है निश्चित टेम्परेचर पर, टेम्परेचर रहता है उस पर, तो उस क्रिया को कहते क्या है, उस क्रिया को कहते क्या है, तो उसे कहते हैं स्टिपलिंग, उस क्रिया को कहते हैं स्टिफलिंग। तो बिल्कुल इंग्लिश ही नाम ध्यान रखिए, इसका कोई हिंदी नहीं है, या फिर हो तो आपको पता हो तो जरूर बताएं, इसका कोई हिंदी है ही नहीं। तो स्टिफलिंग की जो क्रिया कहलाती है उसमें क्या होता है, कोकुन के अंदर ही प्यूपा को नष्ट कर दिया जाता है। तो ये हमारे क्वेश्चन आज के कंप्लीट हुए पूरे, ठीक है, 20 क्वेश्चन हो गए। तो आप दोस्तों को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।